अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लें, बेल वाली नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन, जिससे आपको मेरे चैनल की सारी नई वीडियो अपडेट मिलती रहें। आंगनवाड़ी बहनों के लिए नई खबरें अपडेट हुई है। नई खबरें मैं आपको बताती हूँ। ये खबरें में क्या है कि खेल खेल में बच्चे को पढ़ाए जाएंगे आंगनवाड़ी केंद्रों में। आंगनवाड़ी केंद्रों में जो बच्चे हैं उनको खेल खेल में पढ़ाया जाएगा। तो आइए वीडियो विस्तार से जान लेते हैं कि वीडियो में है क्या। चलिए जान लेते हैं कि हम आपको बता देते हैं, एक नज़र इस पर डालते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र जिले के प्री प्राइमरी के रूप में जब संचालित होंगे उसमें 4172 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। 4172 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिसमें 3800 हैं। सर्दी में पढ़ाई सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक की होगी और गर्मी में पढ़ाई का टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। तो ये है टाइम, एक नज़र हम आपको दिखा देते हैं। उसके बाद आपको आइए, हम ये खबर निकली है गोरखपुर से, जिले के आंगनवाड़ी केंद्र में प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित होंगे। इसके लिए बाल विकास सेवा पुष्टाहार शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से कयास शुरू कर दी है। नए सत्र से पठन पाठन कराया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के तहत बच्चों को चित्र कार्टून कठपुतली के अलावा खेल खेल में भी पढ़ाया जाएगा। प्रदेश सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों को शैक्षिक सत्र 2021-22 में ही प्री प्राइमरी शिक्षा के रूप में संचालित करने की तैयारी में हैं। इसी लिहाज से जिले के 4172 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में जल्दी विकसित किया जाएगा। जा रहा है अभी और आंगनवाड़ी केंद्रों और जल्दी और किया जाएगा, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मुख्य सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्री प्राइमरी के रूप में आंगनवाड़ी बहनों को और मुख्य सेविकाओं को भी इसके साथ साथ प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी ब्लॉक से दो दो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व दो दो मुख्य सेविका को प्रशिक्षित किया जाना है। इसके बाद प्रशिक्षण का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा और प्रशिक्षण चलता रहेगा, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल की तरह संचालित किया जाएगा। इसमें बच्चों का व्यक्तित्व का विकास होगा, नौनिहाल समय से पढ़ाई शुरू कर सकेंगे। पहले चरण में मुख्य सेविका और दो दो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। ये जिला कार्यक्रम अधिकारी वहाँ के हैं, उन्होंने कहा है, गोरखपुर के हेमंत सिंह जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी के रूप में संचालित किया जाएगा। इससे बच्चों का व्यक्तित्व का विकास होगा, नौनिहाल समय से पढ़ाई शुरू कर सकेंगे और पहले चरण में मुख्य सेविका और दो दो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का कहना है, वीएन सिंह हैं जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, जो आंगनवाड़ी केंद्रों को प्रस्तीय विद्यालयों से जोड़कर प्री प्राइमरी के रूप में जो संचालित किया जाएगा, इसका लाभ नए सत्र से ही बच्चों को मिलेगा। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।